अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारों की दौड़ में भारतवंशी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इमर्शन कॉलेज के नए सर्वे के मुताबिक वे फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सेंटिस की बराबरी पर पहुंच गए हैं, और जिस तरह से विवेक रामास्वामी बयान दे रहे हैं, उनके बयानों ने अमेरिका में हलचल मचा दी है। ऐसा क्या बोल रहे हैं रामास्वामी, चलिए जानते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। सबसे पहले ये जान लीजिए कि विवेक रामास्वामी है कौन। विवेक रामास्वामी भारतीय मूल के रिपब्लिकन पार्टी के अमेरिकी नेता हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रहे हैं। 38 साल के रामास्वामी का जन्म ओहायो में हुआ था। उनके माता पिता भारत के अप्रवासी थे। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान की डिग्री हासिल की और फिर येल लॉ स्कूल की पढ़ाई पूरी की। फिलहाल वो चुनावी मैदान में है और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स के तौर पर डिबेट में शामिल हो रहे हैं। अपनी पहली ही बहस में जोरदार प्रदर्शन करने वाले रामास्वामी ने दूसरी बहस में भी लोगों का दिल जीता। अपनी दूसरी बहस में रामास्वामी से अमेरिका में अवैध प्रवासियों की लगातार बढ़ती आबादी को रोकने को लेकर सवाल किया गया। इस पर भारतीय मूल के कैंडिडेट विवेक रामास्वामी ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो अमेरिका में पैदा होने वाले गैर कानूनी प्रवासियों के बच्चों को मिलने वाली नागरिकता बंद करा देंगे। इस मुद्दे पर उन्होंने अपने कंपेटिटर ट्रंप का रुख अपनाया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रामास्वामी ने बताया कि वो अवैध प्रवासियों की अमेरिका में एंट्री रोकने के लिए 2015 के प्रस्ताव का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल 2015 का प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप का ही था। इसके मुताबिक अमेरिका में बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता ने देश में रहने के लिए कानून तोड़ा था। यहीं पर विवेक रामास्वामी ने एक और बड़ा बयान दिया कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन नहीं करेंगे। उनका यह बयान भी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राय से मेल खाता है। बहस के दौरान रामास्वामी ने कहा कि सिर्फ इसीलिए कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक तानाशाह है, इसका यह मतलब नहीं है कि यूक्रेन कोई भला देश है। यूक्रेन ऐसा देश है जिसकी सरकार ने अपने देश के 11 विपक्षी दलों को प्रतिबंधित कर दिया है। रामास्वामी ने अपने एक और बयान से हलचल मचा दी। स्वामी ने कहा कि अगर प्रेसिडेंट बनता हूं तो H-1B वीजा को खत्म कर एक नया वीजा सिस्टम लॉन्च करूंगा। H-1B सिस्टम वीजा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेबर या बंधुआ मजदूरी और गुलामी का प्रतीक है। खास बात यह है कि खुद विवेक ने 2018 से 2023 तक इसी वीजा कैटेगरी का इस्तेमाल 29 बार किया है। ऐसे में इस कैटेगरी को खत्म करने का वादा करके उन्होंने नई बहस को जन्म दिया है। यहां एक बात और बता दें कि ट्रंप के समर्थक रामास्वामी को उपराष्ट्रपति का सबसे शानदार उम्मीदवार मान रहे हैं, मगर स्वामी ने क्लियर कर दिया है कि वो राष्ट्रपति पद के लिए ही रेस में हैं। एक बार और रामास्वामी खुलकर कहते हैं कि मैं हिंदू और अपने धर्म के साथ साथ सारे धर्मों का सम्मान करता हूं। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि अगर रामास्वामी अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो क्या भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती की एक नई शुरुआत होगी और पुराने रिश्ते और मजबूत होंगे? आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।